नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नमस्ते स्वाद पे। आइए हम चलते हैं थोड़ा इंटरनेशनल। तो चलो जाते हैं इटली की किचन की ओर और सीखते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। हाय खुशबू। हाय विधि। तो आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस पास्ता। बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार है। इसके लिए दो प्रोसीजर है, हमें व्हाइट सॉस का ग्रेवी बनाना पड़ेगा और वेजिटेबल सौते करने पड़ेंगे। और इंग्रेडिएंट्स ये रेसिपी के लिए है मैक्रोनी पास्ता बॉइल्ड, बॉइल्ड कॉर्न, बेबी कॉर्न काटा हुआ, कैप्सिकम, चीज़, ग्रेटेड चीज़, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ के क्यूब चीज़ कुछ भी ले सकते हैं, बटर फॉर सौते, बेसिल लीव्स जो चॉप किए हैं, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, एक कप मिल्क, क्रीम पूरा पैकेट क्रीम का, और थोड़ा पानी कि अगर हमको कंसिस्टेंसी बढ़ाना हो तो हम पानी डाल सकते हैं, और लास्ट थोड़ा सा सॉल्ट। तो आइए हम बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। यस, इसके लिए हम पैन को थोड़ा हीट कर लेंगे, और पैन को हीट होते ही इसमें हम डालेंगे बटर। अभी हम हीटेड पैन में डालेंगे थोड़ा सा सॉल्टेड बटर। बटर डालते ही ये मेल्ट होने लगेगा और इसको हम थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे ताकि हमारे वेजिटेबल्स पूरी तरह से सौते हो जाए। गरम होते ही, बटर पिघलते ही हम इसमें डालेंगे आधा कप कैप्सिकम, कैप्सिकम डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ बेबी कॉर्न, ध्यान रखिए कि ये बहुत पक ना जाए बिकॉज ये हमें ग्रेवी के साथ भी पकाना है, इसीलिए सिर्फ सौते करने हैं वेजिटेबल्स। और फिर डालेंगे बॉइल्ड कॉर्न जो मैंने पहले से बॉयल करके रखे हैं। सी इट्स लुकिंग सो कलरफुल। ये सौते होते ही इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, और यस ये है मेन इंग्रेडिएंट जो है बेसिल लीव्स। इससे पास्ता का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा पूरा। ये कर लिए है हमने वेजिटेबल्स सौते। अभी सीजनिंग के लिए हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर बच्चे खा रहे हैं तो आधा चम्मच, इट डिपेंड्स ऑन द स्पाइस लेवल यू ऑल वांट, और थोड़ा सा ओरिगैनो, और इसके मिक्स करेंगे और ये हो गए हमारे वेजिटेबल्स सौते। सब वेजिटेबल्स आप एक बोल में डाल दीजिए ताकि हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाए जो के है हमारा वाइट सॉस ग्रेवी। उसके लिए वापस हम थोड़ा सा सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा बटर। इस पे हम डालेंगे एक कप दूध। वाओ, इट लुक्स यम्मी। ये दूध को हम कर लेंगे थोड़ा सा गरम। गरम होते ही इसमें हम डालेंगे फुल पैकेट ऑफ क्रीम। ये देखिए, आपने पूरा पैकेट डाल दिया क्रीम का, और इसे करते हैं वन टोन में मिक्स। अब मिक्स करते करते हम इसके अंदर वापस डाल सकते हैं थोड़ा सा ओरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैं चिली फ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हम डालेंगे इसमें बहुत ही कम 3 cubes ग्रेटेड चीज़। ये हम चीज़ सॉस घर पे बना रहे हैं तो ज़्यादा चीज़ नहीं पड़ेगा। इसमें मिल्क का पोर्शन और कंटेंट ज़्यादा है। इसको पूरी तरह से स्टर कर लीजिए कि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। एंड यस, लिटिल सॉल्ट, आप ध्यान रखिए सॉल्ट का टेक्सचर थोड़ा कम हो क्योंकि चीज़ में भी बहुत सारा सॉल्ट आता है। बस अभी इसे करते हैं मिक्स। ऑलमोस्ट हमारा पेस्ट तैयार है। इट्स स्मेलिंग सुपर। ये थोड़ा ही, ये देखो थोड़ा ही गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे हमारे सॉटे वेजिटेबल्स। ये देखिए, वाओ सुपर, ये बिल्कुल रेडी है। पास्ता सबसे लास्ट में डालिए क्योंकि पास्ता टूट जाता है तो फिर दिखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये पूरा पेस्ट होने के बाद आप डालिए इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी पास्ता। ये पूरा एक बोल पास्ता है। हम इसमें पूरा बॉइल्ड पास्ता डालेंगे इसके अंदर और इसे कर देंगे क्विक स्टर। बस थोड़ा ही हमें इसे हीट करना है क्योंकि पास्ता टूट सकता है। ये देखिए हमारे वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है जो 10 मिनट में बन गए हैं। इसे हम सर्व करने के लिए एक सर्विंग बोल में निकाल देंगे। ये बन गए हमारे वाइट सॉस पास्ता। दिख रहे ना यमी? Yes, इसको हम थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन टेस्ट करने के बाद मैं बता सकती हूँ कैसे है। सो विल गार्निश इट विद लिटिल ओरिगैनो एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब टेस्ट करना चाहोगे? हाँ हाँ ऑब्वियसली। सो मैं आपको थोड़ा ये लीजिए सर्विंग हॉट। लेट्स ट्राई दिस पास्ता। Mamma Mia, world best pasta. Thank you. दर्शकों अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो हमें कमेंट कीजिए और जो नए सब्सक्राइबर है प्लीज अपनी बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। बाय, टेक केयर, बाय।